गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 6:15 एंड सूरज बस निकलने लगा है पहाड़ों के पीछे से। पूरा आसमान आप देख रहे हैं पिंक पिंक सा हो गया। तो चले गाइस, चलो मक्को उधर को। वहाँ पे कौन है देखो, कौन है ये भगोड़ा जो हमें छोड़ के आ गया है? चलती हैं गोस्तू पकौड़े है गोस्तू छोड़ के आ गया। क्या दिख रहा है इसे? किसको देख रहा है? ऊपर लड़ाई करने के लिए किससे लड़ने के मूड में था ये? मैक्स जल्दी आ। दोस्तों ये देखिए क्या खूबसूरत सनराइज है। पूरी सिटी ऑरेंज हो चुकी है, एकदम मैजिकल, जैसे पुराने कार्टून्स में देखते हैं ना अलादीन वगैरह में। पूरी सिटी लगता है कि ऑरेंज कलर की है। मिस्ट के बीच से ये सूरज उग रहा है एंड टूवर्ड्स दिस साइड आर द हिमालयस जो कि विजिबल नहीं बिकॉज एंटी लाइट हो रही है। एंड आई मीन दिस इज सो सरियल गाइस, मतलब वेकिंग अप टू दिस, ओ माय गॉड, सो अमेजिंग। एंड गाइस जिस टॉपिक की वजह से आप इस वीडियो पे आए हो, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं और वो ऑफिस में जाके हम बात करेंगे आराम से। तो चलिए ऑफिस में जाके मिलते हैं। चलो गोस्तू चल, चलो 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 चलो। सब गोल्डन गोल्डन हो गया, गोस्तू भी गोल्डन हो गया, ये लड़का भी गोल्डन हो गया और ये लड़का भी गोल्डन हो गया। गोल्डन चलो। अरे गोस्त क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, क्या है वहाँ? कुछ नहीं, बिल्ली है। वहां से बिल्ली कैसे दिख रही है इसको इतने छोटे से विंडो से? कहाँ बिल्ली, कहाँ बिल्ली, कहाँ गोस्त? जाओ कहाँ बिल्ली, जाओ बिल्ली देखो। जो नीचे जेरी जेरी आवाज लगा रही है आंटी, नहीं है यहाँ, नहीं है ना, दिख तो नहीं रहे कहीं। ये भी देख ही रहा है, ये भी देख ही रहेगा ना ऊपर। हाँ कहाँ, अभी तो गर्म हो रहा है, इतना टिन में नहीं सोएंगे आजकल। अच्छा वो कपड़े के अंदर, अच्छा अच्छा यहाँ कहीं नहीं दिख रहे दूर दूर तक। कोई मेरे को बोल रहा था भैया जब इस घर का काम खत्म हो जाएगा तो हम बड़ा मिस करेंगे इस आवाज को। हाँ दोस्तों मैं ही डिज़ाइन कर रहा हूँ ये, तो इट इज़ लाइक म्यूजिक टू माय ईयर, यहाँ पे काम होता है तो मज़ा आता है मेरे को सुनने में ऐसी आवाज़ें। पर हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए इट्स नॉट दैट प्लीजिंग। बस बाबू बस, नहीं है जेरी। 3 घंटे हो गए हैं गोस्त को बैठे बैठे, तो फाइनली बिल्ली की आवाज़ आई है। अब गोस्त यहाँ पे दिन भर धूप सकेगा और बिल्ली देखेगा। ओहो हो हो, बिल्ली रानी दोनों बैठी हैं धूप सेक रही हैं। गोस्त कहाँ है बिल्ली भी? तू इसको भी खोल देता हूँ मैं, आराम से देख भाई तू सराउंड 3D विजन के साथ। ये बार हमने ना रिसेंटली लगवाया है ये वाला, ये पहले था नहीं, इसलिए लगवाया कि मेरे को डर लगता है कि गोस्ट का कोई भरोसा नहीं है, कहीं बिल्ली से मिलने का मन करे भाई का। सर्दियों की ना मतलब माउंटेन ब्लिस है ये, यहाँ पे धूप में बढ़िया बैठे रहेगा ये। बैठ जाओ सर, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, बैठ के देखो, हाँ जी 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 बढ़िया से। अभी बैठ के यहाँ से बिल्ली देखते रहेगा, 2-3 घंटे तक बैठा रहेगा। मैक्स तेरे को पता लगता है तेरा भाई कितना बेवकूफ है? कभी कभी लगता है तेरे को, फील होता है बाबू? बाबू होता है फील, बेवकूफ है, बेवकूफ है गोस्तू, बेवकूफ है। अच्छा आप होशियार हो? अच्छा ओ मैं बच्चा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज अगला दिन है, आई नो वो दिन ख़त्म हो गया और आप देखेंगे कि गोस्तू मियाँ को हमने घर के अंदर बांधा हुआ है। और आप सोचेंगे ऐसा हमने इनके साथ अत्याचार क्यों किया है? क्योंकि दोस्तों अब सर्दियाँ आ चुकी हैं तो हमारे गोस्तू मियाँ के एनर्जी लेवल हो चुके हैं डबल, और ये भाई साहब घर से भागने की 3 बार कोशिश कर चुके हैं, क्योंकि पास में ही इनकी गर्लफ्रेंड रहती है जो कि बाहर आके आऊ आऊ करती है। और गोस्तू मियाँ जो हैं फुल तैयारी में रहते हैं भागने की, इस वजह से हमने सेफ्टी वाइज इनको बांधा हुआ है गोस्तू मियाँ। देखो मैं इसको खोलूँगा, अब देखना देखना ठीक है, खोलते इसकी हरकत देखना। 1 मिनट बेटा 1 मिनट, हाँ देखो क्या है। मतू
मत्तू जी भाई साहब गुड मॉर्निंग। वो देखो सीधे अभी धीरे धीरे इज जस्ट एक्टिंग कि हम अभी देख रहे हैं ना, तो ये ऐसे एक्ट करेगा जैसे ये नहीं भागेगा, और जैसे ही मैं कुछ काम वाम करने लगूंगा ये सीधे पतली गली से गोल। मैक्स क्या गुड मॉर्निंग। सुबह हाइक पे जा रहे हैं हम लोग और बहुत कम। हाँ कहाँ है बॉल गए। अभी मैंने कैमरा ऑन किया था, भागेगा नहीं ऑफ कोर्स क्योंकि बाप को गलत ठहराना जरूरी है। खैर विंटर्स आ गए, गोस्टू का सीज़न आ चुका है। गोस्टू बहुत मज़े लेने वाला है, बहुत मस्ती करने वाला है क्योंकि इसके एनर्जी अब वो भाई स्ट्रेचिंग कर रहा है। इतने साइबेरियन हस्कीज़ हैं दुनिया में, सबसे बेसुरा हमारे पास ही आना था। क्या हुआ, नहीं है तू बेसुरा नहीं है तू। बीच में हमसे एक साइबेरियन हस्की मिलने आई थी स्काइला, आपने देखा भी होगा उसे नैनीताल में। इतनी प्यारी, इतनी सुरीली, इतनी अच्छी आवाज़ उसकी। और एक ये है नवाब हमारा, देखो जा रहा है। अभी यहाँ जाएगा और यहाँ से गोल हो जाएगा। वो तो मैंने गोस्टू के उसके लिए प्रिकॉशनरी और बहुत दिमाग से, क्योंकि आपको भाई आर्किटेक्ट है, तो मैंने क्या करा हुआ है, ये गेट तो कई बार खुला रहता है तो घोसले खोल लेता है, बट वहाँ पे आगे गेट है ये। ओ देखो स्पीड देखो, ये आ गया। ये जो गेट है ना दोस्तों, ये वाला गेट, ये गोस्टू खोल नहीं पाता है। ये मैंने ऐसे बनाया कि गोस्ट खोल नहीं सकता, ठीक है। अब खतरा ये है कि गोस्ट, ये जो दीवार आप देख रहे हो ना, ये दीवार से कूद के भी भागा हुआ है एक बारी बकरी को मारने के लिए। लॉकडाउन के टाइम पे इसने क्या करा था कि ये जो दीवार है यहाँ से सीधे जंप मारी थी, जंप मार के सीधे नीचे, काफ़ी ऊँचाई है, यहाँ से भाग गया, बकरी को पकड़ के ले गया गला पकड़ के। तो ये खतरा रहता है बस, तो इस चक्कर में इसको हमने बांधा हुआ है ताकि जब मैं घर पर ना हूँ, मैं जब काम पर गया हूँ तो घर वाले परेशान ना हों, क्योंकि ये जैसे मेरे साथ तो ये चुपचाप अंदर आ रहा है। जाओ अंदर जाओ, चलो चलो, और उसे तो ये जाएगा भी नहीं इतने प्यार से। ओ बाबू अभी नहीं जाना बाहर, चलो मैं खाली वीडियो बनाने के लिए खोला था। देखो ये मक्खी भाई, मार दिए तूने, काम कर दिया उसका, अभी हिल नहीं रही ना, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। रुक जा, ले मार मार मार, खाना मत उसे। मैच रुक जा, बहुत खतरनाक चीज हो रही है यहाँ पे। मैक्स बोस क्या कर रहा है, चाटना मत उसे। आए हाय, ये ले मैं को ले तुझे। मक्खी को अधमरा कर दे। यहाँ ला, तेरा अलग चल रहा है, तेरी अलग शितानी। जा भाई, उड़ गई। टाटा टाटा मक्खी। ये देखो दोस्तों, यहाँ एक मक्खी है, ये गोस्ट ने अभी भी मारी है। मक्खी मारेगा क्या तू, इतना बड़ा होके भेड़िया जैसा होके शिकार क्या करता है हमारा कुत्ता मक्खी। हाँ ये हमारी ईजा है माता जी, ये सारे वीडियोस देखती है। नमस्ते करो सबको। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, नमस्ते। बड़ी क्यूट है यार। अरे यहाँ दे जा। चलो दोस्तों, ऑफिस में जाके आपसे कुछ बहुत सारी हमने बातें करनी है, आपको अपडेट देना है, तो वो अभी चल। अरे वाह बॉल यार, ये हमारी हिमालयन आर्मी ने भेजी थी हमें ये टॉय, और ये इन दोनों को बहुत फेवरेट है, स्पेशली मैक्स का। मैक्स को मैंने देखा कि इस तरह के टॉयज ना बहुत पसंद है जो आवाज़ करते हैं। मे बी मैक्स रिलेट्स टू इट मोर, इसको लगता है हाँ यार कुछ है खेलना। अब गोस्ट को इनसे मतलब नहीं, गोस्ट को क्या चाहिए होता है, जूता, लेदर का जूता चाहिए होता है इसको, या फिर असली बिल्ली। बिल्ली कहाँ है, बिल्ली जेरी बाहर को क्या दिख रहा है, गधे देखना मैक्स को। चलो ऑफिस में बैठ के आपसे सारी बातें कहते हैं। मैक्स चले ऑफिस, चलो फिर ठीक है। वो छत, वो पेड़ में बैठी है, पेड़ में। पेड़ में बैठी है ना बिल्ली, पेड़ में बैठी है, उसके लिए भौंक रहा है। गोस्ट
धरी को बता दे, धरी ले आएगा तेरी बिल्ली। वो बिल्ली पेड़ में चढ़ी ना, वो बिल्ली का बच्चा इतना प्यारा। ये अभी वाले बच्चे हैं, दोबारा हुए हैं, बहुत छोटे। कूद मारने का तैयार उल्लू का पट्टा। अच्छा बहुत कमजोर लग रहे हैं। अरे भाई क्या हो गया, रुक जा मैक्स। कैसे बैठी है पेड़ में जैसे लेपर्ड बैठता है। अब भौंक रहा है गोश्त यार, जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ मैं, जिंदगी में पहली बार भौंकते हुए सुन रहा हूँ इसको, भौंकता ही नहीं है। हाँ जी, तो गाइस मैं जल्दी से, सारा टाइम नहीं लूँगा आपका, मेरे को जल्दी से आपको कुछ कुछ बातें बतानी है। ये जो वीडियो अभी आप देख रहे थे इसको कंटिन्यू होना था, बट कुछ रीजंस की वजह से मेरे को आपके साथ फेस टू फेस कुछ बातें करनी पड़ रही हैं। गाइस सबसे पहली बात ये है, पहली न्यूज़ ये है कि विंटर्स आर हियर, तो जो पहाड़ हैं हमारे यहाँ सर्दियाँ आ चुकी हैं। एंड सर्दियों से मेन जो चेंज होता है हमारी लाइफ में, हम लोगों को जैकेट वैकेट पहनना पड़ता है, हमारी लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। बट ऑन द सेम हैंड गोस्ट की ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो चुकी है, वो बहुत एक्टिव हो चुका है, परेशान करना शुरू कर चुका है। और एक चीज़ और अच्छी है, एक चीज़ अच्छी है कि मैं अब वीडियो बनाते बनाते पूरा ग्लास भर के कॉफ़ी पी सकता हूँ यार, बढ़िया। दोस्तों मैंने कुछ आपके सवाल थे, पहला सवाल था कि भाई इतने दिनों से आप लोग कहाँ गायब हो, क्या चल रहा है भाई, मक्कू की तबीयत कैसी है, क्या सिचुएशन है, कुछ बता दो। तो दोस्तों मक्कू की सर्जरी होनी है ट्यूसडे को, विच इज़ 27th ऑफ दिस मंथ ट्यूसडे, पंतनगर में उसकी सर्जरी होनी है। तो दोस्तों क्योंकि हमें मक्कू की सर्जरी के लिए पंतनगर जाना होगा, पंतनगर यहाँ से करीबन 8 घंटे दूर है, तो सर्जरी करा के हम घर वापस नहीं आ सकते, तो हमें वहीं पर रुकना होगा 7-8 दिन के लिए, राइट। तो उस वजह से अभी पूरा 1-1.5 हफ्ते से, क्योंकि आपको पता होगा जैसे कि आपका भाई आर्किटेक्ट है, तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, तो हमें वो काम सारा मैं निपटा रहा हूँ, किसी तरह से हिसाब किताब बना रहा हूँ कि भाई वो काम जो है जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरे पे प्रेशर ना हो, मैं मक्कू को पूरा टाइम दे पाऊँ। और यही रीज़न है कि मैं वीडियोस ज़्यादा बना नहीं पा रहा हूँ और डाल नहीं पा रहा हूँ। अब दूसरी बात ये दोस्तों कि हम ट्यूसडे को जाएंगे और वहाँ पे 7-10 दिन रुकेंगे, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, छोटी सी, कि लास्ट टाइम क्या हुआ था जब हम गए थे तो मैंने वीडियोज़ बना के डाले थे। मेरा प्लान ये है कि अभी 7-10 दिन जितने भी दिन मैं वहाँ पर रहूँगा मैं डेली व्लॉग करूँगा, एंड दिस टाइम आई विल ट्राई कि वो और अच्छे से मैं उस चीज़ को, पिछले बार तो क्योंकि मैं कैमरा वगैरह लेके नहीं गया था, इस बार मैं थोड़ी बहुत तैयारी से जाऊँगा, ट्राई करूँगा, आई डोंट नो, आई कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग, बट जैसे भी होगा वीडियोज़ आपको हर दिन की मैक्स की अपडेट मिलेगी, राइट, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। एंड एक आपको भी मेरे से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जहाँ पर हम रुकेंगे, क्योंकि मैं डेली व्लॉग करूँगा, बहुत छोटा सा शहर है, मैं अपनी लोकेशन छुपा नहीं पाऊँगा, ठीक है ना, मैं छुपाना चाहता हूँ, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि हमसे मिलने ऐसे मत आना। लास्ट टाइम जिस प्रॉपर्टी में हम रुके थे वहाँ हमारी लड़ाई हो गई, कितने ज़्यादा लोग हमसे मिलने आ गए थे दिन में, कि उनको लगा कि हमने कोई पार्टी वार्टी थ्रो कर दी है, ठीक है, फिर हमें प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ी। और देखो मक्कू की सर्जरी हुई होगी, है ना, काफ़ी बड़ी सर्जरी वो होनी है, तो उस वजह से मक्कू भी रेस्ट कर रहा होगा एंड मैं भी थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, उस बीच उसको ध्यान रखना होगा। तो अगर आप लोग आएंगे, मैं आपसे मिल नहीं पाया, तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों किसको अच्छा नहीं लगेगा कि अनजान शहर में अनजान लोग उनसे मिलने आ रहे हो, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, पर सही टाइम में सही चीज़ हो तो सही रहता है, राइट। तो मैं एक लास्ट डे अगर मेरे को लगेगा पॉसिबल होगा तो एक मीटअप रखेंगे छोटा सा, जिसमें आप लोग आ सके हमसे मक्कू से मिल सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा दूसरा दोस्तों जो अपडेट आपको देना है वो देना है लेपर्ड के ऊपर। लेपर्ड का दोस्तों बहुत बुरा सीन चल रहा है, ठीक है, हमारे जो विलेजेस हैं वो काफ़ी डिस्ट्रेस में हैं, वो काफ़ी डरे हुए हैं। तकरीबन आज से पिछले 5-6 दिनों में लगातार लेपर्ड ने जो है अटैक किया है लोगों पे। फॉर्चुनेटली किसी की जान नहीं गई है, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक औरत की जान चली गई, उसके बाद से अभी तक जान किसी की नहीं गई है, पर हाँ वो 4-5 बार अटेम्प्ट कर चुका है लोगों को। एक छोटे से बच्चे के उसने पहले मुंह पे मारा, उस बच्चे को वो बेचारा घर के बाहर सुसु कर रहा था वहीं पे आ गया अटैक करने। देन ऐसे करते करते 4 या 5 केसेस हो चुके हैं, और मैंने कोशिश करी कि मैं उन गाँव में जाऊँ, बेसिकली कहने के लिए वो गाँव में दोस्तों, पर नाउ दे आर अ पार्ट ऑफ दिस सिटी, ये सिटी फैल रही है तो वो गाँव उसके पार्ट हो चुके हैं। तो मैंने कोशिश करी थी उन गाँव में मैं जाऊँ, लोगों से बात करूँ, मैंने कई सारी बातें करी है, उनकी तकलीफें सुनी हैं और समझने की कोशिश करी है उनकी प्रॉब्लम्स, बट मेरे को लगता है कि इंसानियत के नाते उनका वीडियो जो है वो डॉक्यूमेंट्री वगैरह मैं नहीं बनाऊँगा। मैं उसके बदले ये ज़रूर बताऊँगा आपको
कि लेपर्ड और गांव वाले लोगों की क्या हार्मनी थी, कैसे वो रहते थे और कैसे ये जो लेपर्ड है जो कि अब आदमखोर हो चुका है, आदमखोर मतलब वो मैन ईटर हो चुका है, उसके मैन ईटर हो जाने से उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, फ़र्ज़ कर लो कि मेरा घर यहाँ पर है, मेरा टॉयलेट दूर है, गाँव में ऐसे ही होता है, वो जो घर से टॉयलेट तक की दूरी है ना दोस्तों, वो दूरी कवर करने में फट रही है लोगों की, क्योंकि क्या पता लेपर्ड कहाँ से उठा के ले जाए। तो एक छोटी छोटी चीज़ें, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छे से चीज़ समझाना चाहता हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग है। लेपर्ड वाले मेरे दोनों वीडियो में आपको बहुत इंटरेस्ट आया, आपको बहुत पसंद आया था, मैं अच्छे से बनाऊंगा वो वीडियो। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो लेपर्ड मरा था, ठीक है, ऐसा गाँव वालों का कहना है कि गलत लेपर्ड मार दिया, ठीक है, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई सबूत तो नहीं है, बट हाँ ऐसा गाँव वालों का कहना है। एंड 4-5 दिन हो चुके हैं इस लेपर्ड को, ये लोग पकड़ नहीं पाए, एंड आई डोंट नो कब तक गांव वाले ऐसे डर के रहेंगे, पूरा मतलब पूरा शहर ही डरा हुआ है। और उसी वजह से दोस्तों हम लोग भी सुबह मॉर्निंग वॉक पे, हाइक पे, जंगलों पे जाना हमने बंद कर दिया, क्योंकि लेपर्ड ना पहले जिस दिन मैं गया था उस दिन लेपर्ड एक एरिया पे था पर्टिकुलर, पर वो सेम लेपर्ड अब कहीं कई सारी जगहों पे स्पॉट करा गया है। लेपर्ड का जो दायरा होता है दोस्तों वो 20 किलोमीटर का रेडियस होता है, यानी अगर वो यहाँ पे है लेपर्ड तो यहाँ से वो 20 पूरा 40 किलोमीटर के डायमीटर में घूम सकता है जंगल में, एक दिन में कवर कर सकता है इतना। तो इट्स वेरी डेंजरस, हम लोग भी बहुत प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं वो। एंड बीच में क्या हुआ था कि एक दिन इन्होंने जो वन विभाग है इन्होंने पिंजरा लगाया था, और पिंजरे में बेट के लिए इन लोगों ने डॉग्स को यूज़ करा, ये डॉग्स को पकड़ के ले गए, और करीबन रात को 9 बजे मुझे किसी ने फोटो भेजी कि ऐसा कुछ हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये वही कुत्ते थे जिनको हम लोग रेगुलरली कई महीनों से खाना खिला रहे हैं, श्रुति दी के तो बच्चे हैं वो। तो हम लोगों ने बहुत भसड़ करी, बहुत कुछ हुआ, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, डिग्निटी की वजह से कई सारे ऑफिसर्स की डिग्निटी, कई सारे लोगों की डिग्निटी जो इसमें इन्वॉल्व थे, इनकी अच्छी खासी लेनी देनी हुई है, और वो डॉग जो है सही सलामत वापस आ गए। तो ऑल थैंक्स टू हिमालयन आर्मी, ऑल थैंक्स टू द हिमालयनस की, वो बच्चे हमारे बच गए एंड वो सही सलामत वापस आ गए। अब जो भी करा इन लोगों ने उसके बाद बेट के लिए, हमें नहीं पता क्या करा क्या नहीं करा, हमारी मेन प्रायोरिटी ये थी कि उन बच्चों को बचा लिया जाए, तो ये बहुत अच्छी हमारे लिए अच्छी अचीवमेंट रही। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जब आप ये वीडियो देख रहे हो हम ये चीज़ ऑलरेडी कर रहे होंगे, तो दोस्तों हमने पिथौरागढ़ में आज, यानी अभी जब आप वीडियो देख रहे हो आज टुडे फ्राइडे, हमने एक बेजुबानों का लंगर हमने करा है ऑर्गेनाइज। बेसिकली हमने क्या करा है कि हमने बहुत बड़े मात्रा में खाना बनवाया है, और हम पूरे शहर में घूमेंगे और जगह 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 इन बेजुबानों को, जो कि हमारे डॉग्स हो गए, गाय हो गई, बैल हो गए, इनको हम खाना खिलाएंगे जगह जगह पूरा घूम के। एंड जहाँ जहाँ पे भी हमें लोग मिलेंगे तो हम लोग जाके उनको ट्राई करेंगे, उनको समझाएंगे कि देखो दोस्तों है ना, इंसानियत मत भूलिए, है ना, इन जानवरों को मारिए मत, इन जानवरों के साथ गलत व्यवहार मत करिए। अगर कोई कुत्ता घूमते फिरते आपकी दुकान के आगे आ जाता है तो 10 रुपये की यार एक ब्रेड खरीद के खिला दो, या अगर घर से आप एक रोटी एक्स्ट्रा बनवा के ले आ सकते हो तो ला दो, या अगर आप घर पे भी रहते हो तो हमारे घर में दोस्तों खाना बचता है, अगर बचता है तो उसको पत्तल में, जो खाने की पत्तल होती है उसमें रख के बाहर रख दो, या अखबार के ऊपर बिछा के बाहर रख दो। अगर हम इतना सा कंट्रीब्यूशन भी करने लगेंगे दोस्तों कोई कुत्ता भूखा नहीं रहेगा, और जितनी वारदात हो रही है ना कुत्तों ने से काट दिया, ये हो गया वो हो गया, ये सब खत्म हो जाएगी, इनकी हेल्थ सुधरेगी, धीरे धीरे सारे अडॉप्ट भी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये एक हमने इवेंट रखा है, इसका पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, ऑब्वियसली मैं अभी शूट कर ही रहूंगा जब आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड आई होप ये अच्छे से हो जाए, फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना का टाइम है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अभी मेरे को मक्कू को लेके भी जाना है तो कोई रिस्क मैं नहीं ले सकता। और इसके बाद और क्या बात करनी थी आपसे, मेरे ख्याल से कर ली मैंने सारी बात। ठीक है दोस्तों, मेरा भाषण सुनने के लिए थैंक यू, मैंने बहुत ज़्यादा चाटा, आई होप चाटा ना हो आपको। एंड अब दोस्तों हम मिलेंगे होपफुली मंडे मॉर्निंग, एंड लेट्स सी मंडे मॉर्निंग ट्यूसडे मॉर्निंग जब भी मैं व्लॉग्स बना के शुरू करूँगा। सच बताऊँ तो मैं एम वेरी नर्वस, मैं बहुत डरा हुआ हूँ मक्कू की सर्जरी के लिए। मुझको सच में अगर अभी ऑप्शन मिलेगा ना कि अपनी सर्जरी कराए, मैं करा दूँगा मैं करवा दूंगा भाई, मैं इसी बात में टेंशन में हूँ कि प्यारे से मेरे छोटे से बच्चे का पूरा चीरा लगेगा और अंदर से उसका जो भी सर्जरी वगैरह होनी होगी, एंड दिस इज़ वेरी स्केरी। और मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, एज अ पेरेंट आई डोंट नो मैं आई कैन कॉल माई सेल्फ अ पेरेंट, बट हाँ मतलब मैं हूँ मक्कू का तो बाप हूँ ना मैं, तो मैं बहुत डरा हुआ हूँ, सच्चाई है। और ये भी एक रीज़न है कि मैं वीडियोज़ बनाने में आई वॉज रियली हेजिटेंट, कि मेरे को लग रहा था यार कि मतलब होता नहीं जिटरी, यू फील नर्वस। तो आई एम श्योर कि सर्जरी जो होगी अच्छे से ही होगी, आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है, तो सब कुछ अच्छे से ही होएगा मेरे को पता है। एंड आप लोग पूछते रहे तो भैया क्या सपोर्ट करना है कैसे करना है, देखो दोस्तों
बस प्रे करो मक्कू के लिए, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कोई बाकी सब मैनेज मैं कर लूँगा, बट हाँ अगर आप प्रे करते हैं मक्कू के लिए तो बहुत ताकत होती है इन सब चीज़ों में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं बस यहीं पे एंड करता हूँ, बहुत लंबा नहीं करता, वैसे ऑलरेडी शायद बहुत लंबा हो चुका है, मैं क्या क्या बोल दिया मैंने पता नहीं, बट हाँ तो ठीक है दोस्तों, आई डोंट नो कितने लोगों ने यहाँ पे देखा है, यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है, जितनों ने भी देखा है तो उनके लिए द हिमालयनस की ओवर एंड आउट। और सुनो, ऑल दो मेरी फटी पड़ी है बहुत सारे रीजंस की वजह से, पर आपका भाई आपसे फुल ऑन प्यार करता है। ओके बाय।